कहते हैं इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बदल पाई। अब मैं अपनी मौत देख रही हूँ। मेरी मौत को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे गुनहगार कभी नहीं पकड़े जाएंगे। आई एम सॉरी। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जो अतीत हमें आगे बढ़ने से रोके उस अतीत को भूलना ही बेहतर है, लेकिन कई बार अतीत हमें ऐसा घाव दे जाता है जिससे उबरना आसान नहीं होता। ये हमें वो खालीपन दे जाता है जिसको भरने के लिए हम नए लोग, नई जगह, नया माहौल तलाशने लगते हैं, लेकिन अगर ये तलाश सही ना हो तो ये तलाश हमें और भी बेबस और तन्हा बना सकती है। नरेंद्र, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तेरे कपड़े यहाँ इस्त्री करके रखे हैं, जल्दी से आना। और हाँ, नाश्ता भी तैयार है। नरेंद्र बेटा। हाँ माँ, आया मैं। जल्दी आना। ले बेटा, नाश्ता कर। क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं माँ, वो थोड़ी ऑफिस में टेंशन थी, वो सोच रहा। अभी तक तो तू ऑफिस नहीं गया और पहले से ही टेंशन पाल लिया। अरे क्या कर रही हो, मैं खा लो। तुम्हें यहाँ का खाना और मेरी ट्रीट पसंद आई होगी। खाना तो बहुत पसंद आया और उससे ज्यादा ये देख के अच्छा लगा कि आज तू कंजूसी नहीं कर रही है। Excuse me. Yeah, ma'am. Anything else? Nothing else. अब बस बिल ले आइए। Sorry, ma'am. आज 12 से 3 बजे तक सभी कस्टमरों के लिए लंच फ्री है हमारे आलोक सर की तरफ से। अच्छा, तो तू अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे ट्रीट पे मुझे ट्रीट देने ले आई। चुप कर यार, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और कौन है वो, यहाँ का ओनर है क्या? नहीं मैम, वो भी कस्टमर ही हैं और आज उनका बर्थडे है तो आज उन्होंने सबको ये ट्रीट दिया हुआ है। हम उनसे ट्रीट कैसे ले सकते हैं, हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। आप प्लीज बिल ले आइए। सॉरी मैम, हम बिल नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको पे ही करना है तो उस डोनेशन बॉक्स में पे कर सकती हैं। चलो चलो, पीछे हटो, साइड में हो जाओ, पीछे हटिए। सर, इस लड़के के पॉकेट में दो आईडी मिले हैं, एक विंश्योर फाइनेंस बी एंड रोड ब्रांच का है और दूसरा आईडी है इसका ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आगरवाड़ी का पता लिखा है। इस रोड के स्ट्रेच पे कोई सीसीटीवी नहीं है, बाइक का मुंह इस तरफ है, इसका मतलब वो उस रोड से या तो इस तरफ से या उस तरफ से आया होगा। पूछताछ करके देखो किसी ने कुछ देखा क्या। जी सर।
एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे मिस्टर आलो। थैंक यू। आर यू ओके? या या आई एम फाइन। आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? वो क्या है ना, मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब वही नए लोग, रेस्टोरेंट्स जैसे सोशल गैदरिंग में ना मैं थोड़ा सा घबराहट सी होती है, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। मुझे तो लगा हमने आपकी हार्ट बीट रोकी थी। अब वैसे आपने अपने बर्थडे पे अजनबियों को ट्रीट क्यों दी है? क्या है ना, मेरे डॉक्टर ने कहा मुझे कि नए लोगों से मिलो, गैदरिंग में जाओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि बर्थडे इज अ एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। थैंक यू। नरेन पटोले यहाँ क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता है, हम लोग उसी के आने का वेट कर रहे थे। ये तो अभी आपसे पता चला सर कि उसके साथ ये सब हो गया। नरेंद्र का किसी के साथ झगड़ा, किसी से दुश्मनी थी? No idea, sir. He was very sincere and hardworking. और हम लोग उसे सर सिर्फ 6 महीने से ही जानते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ था। 6 महीने पहले कहाँ था वो? सर वर्धा ब्रांच में था। पिछले 6 महीने से मैं उसे कुछ देखने के लिए तरस रही थी। वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे सब कुछ भूल गया हो और खुश रहा करता था। मुझे पता था कि अंदर ही अंदर वो घूट रहा था, टूट चुका था वो। किस बात की घुटन थी उसे? आपको किसी पे शक है? वैशाली और उसके पिता, जब हम वर्धा रहते थे, नरेंद्र वैशाली को ट्यूशन दिया करता था। इट्स सो सिंपल, कितनी बार तो बता चुका हूं तुम। चलो बनाओ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ सर। अगर यही हाल रहा तो अकाउंट्स में फेल हो जाओगी। पता नहीं वैशाली को क्या गलतफहमी हो गई थी कि वो एक दिन अपने पिता को लेकर हमारे घर चली आई। अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैशाली मेरी स्टूडेंट है और उम्र में कितनी छोटी है मुझसे। अगले महीने 18 की हो जाएगी वो, फिर उसके बाद शादी करके उसको खूब पढ़ाते रहना तुम। अरे मैं शादी नहीं कर सकता वैशाली से, मतलब समझते का तू कोनाशी बोलते हो? इस गांव के सरपंच की बेटी का रिश्ता ठुकरा रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लक्ष्य ठेव। वो अपनी बेटी की जिद में इतना हो गया था कि उसने मेरे बेटे का किडनैप करवाया। वो जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता था, पर मेरा बेटा कैसे तैसे वहां से भाग निकला। उसकी डर की वजह से हम यहां पर चले आए। शायद वैशाली के पिता को पता चल गया होगा, इसीलिए। एक्सक्यूज मी, आप सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? आप यहाँ कैसे? मतलब मैं यहाँ पे हमेशा जॉग करने आता हूँ, आपको कभी देखा नहीं मैंने। मैं भी डेली जॉग करती हूँ और मैं भी पहली बार आपको देख रही हूँ। आप यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, वो आर्मी कॉलोनी। ओ, आर्मी कॉलोनी, यहाँ पे आर्मी मेंबर्स रहते हैं? जी, मेरे दादाजी आर्मी में थे। और आप क्या करते हैं? मेरा केमिकल का बिजनेस है। बिजनेस? I'll have to go, my car is here. माना कि मैं अपनी बेटी की शादी नरेंद्र से करवाना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लेकिन उसकी माँ तो कह रही थी कि झूठ बोल रही है वो सबसे। सच बात तो ये है कि नरेंद्र ने मेरी बेटी को बहका के उसके साथ संबंध बना लिए थे, और पुलिस कंप्लेन करने की बजाय अपनी बेटी के लिए उसका हाथ मांगने चले गए। मुझे लगा वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करेंगे। इसी बात का बदला लिया? मैंने कोई बदला नहीं लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नरेंद्र आजकल कहाँ रह रहा है। अपनी बेटी को बुलाइए,
हमें बात करनी है। बहुत मुश्किल से वो इस सदमे से उभरी है अभी। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, पुराने जख्म कुरे देंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। हाँ बोलो। सर, नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसको आखिरी कॉल तपन ने किया था और इस तपन का इशू था नरेंद्र के साथ। वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाला तो काफी रेस निकला। आर्मी कॉलोनी में बंगलो, केमिकल का बिजनेस, खानदानी पैसे वाला लगता है, इसीलिए इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसमें। इंटरेस्टिंग तो वो है, पहली मुलाकात में उसको एंजाइटी हो गया था और दूसरी मुलाकात में तेरी एंजाइटी तो नहीं बढ़ा दी। क्या बातें हो रही है? अरे भाई हमें भी तो बताओ, है कौन वो जिसने हमारी बेटी की एंजाइटी बढ़ा दी है? सर, तपन 2 महीने पहले इसी ब्रांच में था, उसको करप्शन केस में सस्पेंड किया गया था और नरेंद्र ने ही उसको एक्सपोज किया था। सर, तपन ने 15 ऐसे कस्टमर को लोन अप्रूव किए जो लोन के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, और कुछ कस्टमर को तो इसने 10-30% वैल्यूएशन बढ़ाकर लोन अप्रूव किया हुआ है, सब रिश्वत लेकर। देखो नरेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र नहीं सर, सर हूं मैं तुम्हारा, और जो तुम करते आए हो अब चलेगा नहीं यहाँ पे। अगर तपन नरेंद्र की वजह से सस्पेंड हुआ था तो तपन नरेंद्र को कॉल क्यों कर रहा था? That was funny, yeah. That was funny. वैसे अब तो मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ ना, तुम्हें मुझे देख के एंजाइटी भी नहीं होती, तुम्हारी हार्ट बीट भी तेज नहीं होती। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो। इश्क ना बहुत ही खूबसूरत डिसऑर्डर है, पर मुझे इस बीमारी से दूर ही रहना है। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, अच्छा फील करोगे। ठीक है, एज यू से। अच्छा सुनो, मुझे ना अभी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। सैटरडे फ्री हो? ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो, पापा मिलना चाहते हैं तुमसे। पापा मिलना चाहते हैं? क्यों? सर, इस करप्शन में मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं था। सर, मैंने जो कुछ भी किया आपने मैनेजर जतिन की परमिशन से किया था, लेकिन सर जब ये बात सामने आई वो मुकर गए और सर मैं सस्पेंड हो गया। तो फिर नरेंद्र को कॉल क्यों कर रहे थे? सर, यही बताने के लिए कि गलत मैं नहीं जतिन है, और सर नरेंद्र को भी जतिन पे शक था। सर, मैं नरेंद्र का फेवर सिर्फ इसलिए चाहता था ताकि उसके सपोर्ट से मेरी नौकरी बच जाए। तपन और जतिन दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। वैशाली का बाप सुबोध भी हमारा सस्पेक्ट है, इनकी एक्टिविटीज चेक करो, ये सुपारी किलिंग भी हो सकता है। इन सब का बैकग्राउंड खंगालो। सर, मैंने नरेंद्र के ईमेल अकाउंट चेक किए, उसमें मुझे कुछ सस्पिशियस मेल मिले हैं। सिमी, मुझे कॉन्टेक्ट करो, अर्जेंट। इस तरह के तो कई मेल भेजे नरेंद्र ने सिमी को, वो भी इसी आईडी पे। आखिर ये सिमी है कौन? हेलो, कम इन। सर आपने बुलाया? कमाल की प्रेजेंटेशन है, दिल खुश हो गया। तुम देखोगी ना, दिल की धड़कन रुक जाएगी तुम्हारी। हाँ बोलो। सर आप ठीक नहीं कर रहे। मैं सब ठीक कर दूंगा प्रिया। देखो, मैंने होटल में सबसे शानदार स्वीट बुक किया तुम्हारे लिए, और इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का, ट्रस्ट मी। भाई ये बात सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि तुम एक आर्मी मैन के पोते हो, तो फिर तुम आर्मी में क्यों नहीं गए? वो अंकल मैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो, दोस्त के बाजू में बैठो, बैठो। हाँ, तुम बता रहे थे। हाँ मतलब मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं उनका केमिकल बिजनेस संभालूं। लेकिन मैं अभी अपने लाइफ के साथ कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? स्पोर्ट्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, एक शोरूम खोलना चाहता हूँ, एक पार्टनर तो चाहिए उसके लिए। क्या होता ना, पार्टनरशिप में एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाता।
डेफिनेटली पार्टनरशिप में तो एक्सपेंशन होता ही है. आई डोंट नो मुझे अभी ये बात बोलनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं भी अपना एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ. और सो क्या मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में आ सकता हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो? मैं सोच के बताता हूँ आपको अंकल, इफ इट इज ओके. ठीक है. मेली ही पोरगी मेरा फोन तक नहीं उठा रही है, पर इतनी रात हो गई कहां मर रही होगी ये लड़की. इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है. प्रिया प्रिया प्रिया, तूने शराब पी? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी देर रात तक बाहर रहेगी और शराब पी कर आएगी. है अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है तू? पापा गुस्सा मत करिए ना, मैं बात करती हूँ ना इससे. तू बात करेगी? तू कौन सी कम है जो अपने पति को छोड़कर यहाँ आकर बैठी हुई है? और एक ये इसे अय्याशी करने शुरू कर दी है. मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने. प्रिया प्रिया चल चल अंदर चल. प्रिया प्रिया मुझे बताए कि क्या हुआ और तू इतना रो क्यों रही है? प्रिया तेरे कपड़े, तुझे ये चोट कैसे लग गई? क्या हुआ प्रिया? प्रिया प्रिया बोल ना. तेरे साथ रे? इस मेल आईडी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डीकोड की, लेकिन इस सिम्मी के बारे में कुछ हाथ नहीं लग रहा है. हमने नरेंद्र के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें भी सिम्मी का नंबर नहीं मिला. लेकिन ये किसी का निकनेम भी तो हो सकता है. कहीं ये सिम्मी वैशाली का निकनेम तो नहीं है? नरेंद्र की जिंदगी में क्या वाकई कोई सिम्मी नाम की लड़की थी? लेकिन वैशाली जिससे नरेंद्र की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की गई थी, उस वैशाली के पिता सुबोध और नरेंद्र का एक्स कलीग तपन भी पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट थे. लेकिन इनकी ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही पुलिस नरेंद्र के अतीत में किसी सिमी की तलाश कर रही थी. मेरी मौत को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे गुनहगार कभी नहीं पकड़े जाएंगे. आई एम सॉरी. प्रिया ने ऐसा क्यों लिखा? किन गुनहगार का जिक्र किया गया? क्या होता प्रिया के साथ? सर वो सर प्रिया का रेप हुआ था. किसने की? पता नहीं सर, हमने प्रिया से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और फिर कब हुआ ये सर? सर करीब एक हफ्ते पहले. वो जब घर आई तो बहुत नशे में थी सर. एक हफ्ता गुजर चुका तो आप लोगों ने कोई पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर मैं डर गया था सर, और प्रिया भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी. लेकिन मुझे यह नहीं पता था सर कि प्रिया ऐसा कदम उठा लेगी. एक हफ्ते पहले वो कहाँ से आ रही थी? सर एक हफ्ते पहले उसका फोन आया था मुझे, ऑफिस में थी वो. उसने फोन पर कहा, हेलो हाँ दीदी, वो आज थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में. देर हो जाएगी क्यों? एक्चुअली एक पार्टी में जाना है. किसकी पार्टी में गई थी? सर ये तो नहीं पता किस पार्टी में गई थी, लेकिन हाँ सर उसने कहा था कि वो किसी
नील कमल होटल में है। नील कमल होटल? हाँ सर। डेट क्या थी? 16 अक्टूबर। प्रिया किस ऑफिस में काम करती थी? डेन ग्लोबल बीपीओ में काम करती थी। प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड? कोई अफेयर? नहीं नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड कोई अफेयर। प्रिया 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 हेलो 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 हुआ क्या? ड्राइवर मैं लेके चलती हूँ तुम्हें। क्या प्रिया ने सुसाइड कर लिया? जी, और प्रिया के घर वालों का कहना है कि उसका रेप भी हुआ था। प्रिया आखिरी बार ऑफिस कब आई थी? यही कोई एक हफ्ते पहले। डेट? शायद 16 अक्टूबर। एग्जैक्ट डेट? 16 अक्टूबर। क्या 16 अक्टूबर को आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई? नहीं सर, पार्टी तो कोई नहीं थी। लेकिन प्रिया की बहन का कहना है कि उस दिन प्रिया ऑफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी। हो सकता है कोई पर्सनल पार्टी रही हो उसकी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। हमें 16 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। ज़ूम करो। उस दिन प्रिया जब ऑफिस से बाहर निकली तो सीसीटीवी फुटेज में वो आपके साथ कुछ बात करते हुए दिखाई दे रही। आप दोनों की आपस में क्या बात हुई थी? सर इतना तो कुछ ध्यान नहीं, नॉर्मली बात हुई होगी। क्या उस दिन प्रिया ऑफिस के बाद किसी पार्टी में गई थी? पार्टी किसकी थी? पार्टी? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर 16 अक्टूबर को कोई पार्टी नहीं थी हमारे होटल में। लेकिन 16 अक्टूबर को ये लड़की आपके होटल में आई थी। सर यहाँ पर तो आए दिन नए लोग आते रहते हैं, भला मुझे कैसे याद रहेगा। इस लड़की का नाम प्रिया शिंदे, क्या इस नाम से 16 अक्टूबर की आपके होटल में कोई बुकिंग है? इस नाम की तो कोई भी बुकिंग नहीं है 16 अक्टूबर की। हो सकता है बुकिंग किसी और नाम से की या किसी और ने की हो, पर ये लड़की आपके होटल में आई हो। आप एक काम कीजिए, 16 अक्टूबर के पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई मुझे। आलोक तुम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम्हें अपने क्राइसिस रिजॉल्व करने होंगे वरना इससे आलोक की तबीयत और बिगड़ती जाएगी। सॉरी आलोक, पर तुमने तो कहा था तुम्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो मैम किस क्राइसिस की बात कर रही हैं? एक्चुअली आलोक की सोशल लाइफ तो कुछ है नहीं, और एंजाइटी के पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत सारे रीजंस हैं। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको कोई ना कोई पॉजिटिव वे ढूंढना होगा जिसकी वजह से आलोक के दिल और दिमाग पर कम असर पड़े। ये बता पापा, मेरे और संध्या के बीच में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर मैं प्रियाला निमी बहनी पेक्षा जास्त इज्जत दिली है। इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ और तुम्हें मला सांगितलं नाही। क्या बता दे तुम्हें? हाँ मैं तो मैं प्रिया भी इनको फुटे एक्ट नहीं भाती थी, अब यहाँ पे उसको बहन बोल के हमारे जख्म को रेड़ने की कोशिश कर। आज तो प्रॉब्लम है तुझा, हमेशा मेरे इंटेंशन पे शक करती हो। हाँ मला माहित है क्या इंटेंशन है तुम्हारा, तुम ना मेरा मुंह मत खोल। बस ऐसे समय में भी तू मैं है? देखिए हम लोगों ने पता किया, 16 अक्टूबर को नीलकमल होटल में कोई पार्टी नहीं थी। क्या? और ना ही 16 अक्टूबर को ऑफिस के बाद प्रिया किसी पार्टी में गई थी। लेकिन सर प्रिया ने हमसे यही कहा था कि वो नीलकमल होटल गई थी। अब या तो प्रिया ने आप लोगों से झूठ बोला या फिर आप लोग हमसे झूठ बोल रहे। सर हम क्यों झूठ बोलेंगे सर? बदनामी की वजह से आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट नहीं की, पर हो सकता है प्रिया पुलिस रिपोर्ट करना चाहती हो और आप लोग उसे मना कर रहे, इसी वजह से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं सर वो हमसे तंग नहीं आई थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या था जो प्रिया को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया? सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन सुसाइड क्यों किया उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया के गुनाहगारों को प्रिया नहीं बल्कि आप लोग बचाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, दरअसल प्रिया ने हमें कभी नहीं बताया कि उसका रेप किसने किया था। सर हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि किसने मेरी बहन की जुबान सिल दी कि वो
हमें आई एम सॉरी लिखकर चली गई सर। और ये सवाल भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि अगर प्रिया उस रात नीलकमल होटल में गई ही नहीं थी तो उसने अपने घर वालों से क्यों बोला कि वो वहां गई थी, और उसने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि उसके गुनहगार कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस इसे चुनौती की तरह से लेते हुए लगातार उन अपराधियों की तलाश में लगी हुई थी जिन्होंने प्रिया को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। प्रिया के मोबाइल में इस तरह के कई फोटोज हैं, देखिए। कोई लड़का या कोई बॉयफ्रेंड का चेक कर, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं। मुमकिन है प्रिया को उसके ये फोटोग्राफ दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। नहीं सर, हम इन फोटोज के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बाद प्रिया चुप क्यों रही। प्रिया की चुप्पी टूट सकती थी अगर वक्त रहते आप लोग हमारे पास आए होते। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन सर अब उसके गुनहगार नहीं बचने चाहिए। अपने आप को संभाल बेटा। उसके गुनहगार आप भी हैं पापा। इतनी ज्यादती सही उसने, उसे उसके बाप का ही साथ नहीं मिला। सर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? मैंने ऐसा क्या किया सर? मालूम है ना प्रिया ने सुसाइड किया, और उसी प्रिया से तेरी जरूरत से ज्यादा ही बातें होती थी। क्यों? क्योंकि तेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, है ना? मेरा ऐसा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ सर। मेरे ऑफिस की कलीग थी, काम के सिलसिले में उससे बात करता था सर। मेरा यकीन मानिए, ऐसा कोई अफेयर नहीं था मेरा। चल मान लिया तेरी प्रिया से सिर्फ काम के सिलसिले में बातें होती थी, पर बातें तो होती थी ना, और बहुत बातें होती थी। तो कभी बातचीत में प्रिया ने अपने किसी दुख या परेशानी का जिक्र तुमसे किया था? वो सर आप हमारे ऑफिस के फीमेल एम्प्लॉय से जाके पूछ लीजिए। आप ट्राई कीजिए, कोई ना कोई अपना मुंह खोल देंगी। तू अपना मुंह खोल, साफ साफ बोल क्या बोलना चाहता है। हमारा जो बॉस है जयदत्त, वो ठीक आदमी नहीं है सर, और मुझे शक है कि वो प्रिया को मोलेस्ट करता था। सर किसी ने आपके कान भरे हैं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरी शराफत का चोला तो हम अभी उतार देंगे। फोटोग्राफ दिखाओ, बैकग्राउंड देख, लोकेशन देख, कुछ याद आया? ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे फार्म हाउस में खींचे गए हैं? नहीं सर, ये सब गलत है सर, मुझे कुछ नहीं पता। सादा शाना मत बन, हमें पक्का पता है ये तेरा फार्म हाउस ही है। हमें ये भी पता है कि तू अपने फार्म हाउस पर ऑफिस पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। अब ये बोल, ये फोटोग्राफ दिखा के तो प्रिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ना? मानता हूँ ये फोटोज मैंने ही निकाले हैं, लेकिन सर शोषण तो वो भी मेरा कर रही थी। अब प्रिया इस दुनिया में नहीं है, तू सोच रहा है कोई भी झूठी कहानी बनाकर बच जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी कमजोरी का फायदा उठा के मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन करके एक होटल में बुलाया, मैं उसके इरादे भांप नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया सर। सॉरी मैं शायद गलत रूम में आ गया, सही जगह आया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर में पड़ा था, बदन पे एक कपड़ा नहीं। उसके बाद एक लड़के का फ़ोन आया था, मुझे धमकी दिया उसने कि अगर मैंने उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे सारे वैसे वाले फ़ोटोज़ वायरल कर देगा वो। मेरी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने, मजबूरन मुझे 30 लाख रुपए देने पड़े। ये वो फ़ोटोज़ हैं। इन फोटोग्राफ्स में लड़कों का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, कौन है दोनों लड़के? मैं नहीं जानता इन्हें सर, लेकिन वो तीन लड़के थे, दो जो इन पिक्चर्स में दिख रहे हैं और तीसरा वो जो पैसे लेने आया था। और ये सब कहाँ पर हुआ? होटल हिल्स कमल सर। हिल्स कमल या नील कमल? नील कमल नहीं सर, होटल हिल्स कमल। सर ठीक से कह नहीं सकता कि 16 अक्टूबर को ये लड़की यहाँ आई थी या नहीं। तो रूम नंबर 104 किसने बुक किया था? सिमी वागमारे के नाम से बुकिंग की थी। इसके साथ कोई लड़के भी आए थे क्या? ठीक से याद नहीं है सर मुझे। 16 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई मुझे। सॉरी सर, हमारे पास एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग रहती है, उसके बाद वाली सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। रूम नंबर 104 तो दिखा सकते हैं ना? जी हाँ सर। सर रूम नंबर 104 चेक किया मैंने, रूम तो वैसे ही दिख रहा है जैसा फोटो में है। और एक बात सर, रूम की बुकिंग भी सिमी वाघमारे के नाम से हो रही है। सिमी वाघमारे? जी हाँ सर। और एक बात है सर, वो फोटो प्रिया के बॉस को जिस ईमेल आईडी से भेजा गया था उसका एड्रेस सिमी 1729 है,
प्रिया के बॉस का कहना है कि उसे उस होटल में प्रिया ने बुलाया था, जबकि होटल में रूम सिमी वाघमारे ने बुक किया था। तो क्या सिमी वाघमारे ने खुद को प्रिया बताया और उसी ने प्रिया के बॉस को होटल में बुलाया? अगर सिमी ने प्रिया के बॉस को ट्रैप किया है तो प्रिया का रेप किसने किया होगा? उन लड़कों ने जो प्रिया के बॉस के साथ फोटो में दिख रहे हैं? प्रिया के बॉस ने किसी तीसरे लड़के का भी जिक्र किया था, उससे उन लड़कों के स्केचेस बनवा। और ये सिमी की आईडी पर एड्रेस कहाँ का है? वो वर्धा का एड्रेस लिखा हुआ है। वर्धा पुलिस से तुरंत कॉन्टैक्ट करो और पता लगाओ ये सिमी कहाँ है। ओके सर। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। सर इसे तो क्या, हम किसी भी सिमी को नहीं जानते। पूछा सर, ये तो प्रिया का बॉस जैदत है, लेकिन ये साथ में दो लड़के कौन है ये समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन सर आप ये सारी बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रिया के बॉस जैदत का कहना है कि प्रिया दो लड़कों के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सर झूठ बोल रहा है वो, और प्रिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर। सर सर सिमी की आईडी पे वर्धा का जो एड्रेस था वहां पे कोई नहीं रहता, लेकिन सर जब वर्धा पुलिस ने सिमी की आईडी देखी तो उनसे पता चला कि 6 महीने पहले सिमी वाघमारे वहां से गायब हो गई थी और कुछ दिन के बाद उसका मर्डर हो गया था। दोनों की शक्ल तो काफी मिलती है, और इस लड़की का नाम भी सिमी वाघमारे, सेम नाम सेम शक्ल सेम सरनेम। लेकिन अगर सिमी वाघमारे का कत्ल हो गया था तो इसकी फेक आईडी देकर होटल में रूम किसने बुक किया? सिमी वाघमारे का मर्डर किसने किया? वो केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ सर, और वर्धा पुलिस से पता चला है कि सिमी का नरेंद्र नाम का एक दोस्त था और 4 महीने पहले नरेंद्र का भी मर्डर हो गया था। नासिक पुलिस नरेंद्र का मर्डर केस हैंडल कर रही थी, और सिमी का मर्डर केस भी नासिक पुलिस ने टेक ओवर कर लिया। नासिक पुलिस से मिलना पड़ेगा, और जरा होटल वालों को खंगालो, उन्होंने एक मरे हुए शख्स की आईडी पर होटल में रूम कैसे बुक कर ली? यस सर। जिस दौरान सिमी वर्धा से गायब हुई उसी दौरान ये नरेंद्र विंशोर फाइनेंस की वर्धा वाली ऑफिस में जॉब कर रहा था। हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है। पहले तो हमें लगा कि दोनों का कातिल एक ही हो, पर कुछ लीड नहीं मिल पाया। नरेंद्र की माँ बोल रही थी कि सरपंच सुबोध के डर से उन्होंने वर्धा छोड़ा, लेकिन इस नरेंद्र ने वर्धा वाली अपने ब्रांच में इतने घपले किए हुए थे कि उस पर इंक्वायरी बैठी हुई थी। कैसे घपले? ये देखिए, किसी बाप बेटे को 2 करोड़ का लोन पास कर दिया था, और वो भी फेक डॉक्यूमेंट में। जी सर, सर ये सिमी और नरेंद्र नागपुर के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। मैंने जब इनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स खंगाले तो इनके कॉमन फ्रेंड का पता चला, जो मुझे सस्पिशियस लग रही है। कौन सी कॉमन फ्रेंड? रानी। सिमी के मर्डर के ठीक पहले तक ये रानी उसके साथ सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट पे टच में थी सर, और रिसेंटली इसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, ठीक उसी वक्त जब से हम सिमी और नरेंद्र के मर्डर केस में इन्वॉल्व हुए। तुम्हें लगता है कि रानी हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से डर के गायब हुई? हो सकता है सर, इसलिए मैंने रानी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जो उसका एड्रेस मेंशन है उसको निकलवा लिया। बस चलो। अरे सर मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं पता रानी कहाँ है। बिलीव मी, आपकी अपनी बेटी कहाँ है ये आपको नहीं पता, कैसे बिलीव करें? उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, वो तो मुझे अपना बाप ही नहीं मानती। क्यों, ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच? पापा, आलोक ने आप पे भरोसा करके आपको बिजनेस में पार्टनर बनाया और आपने इसे ही धोखा दे दिया। रानी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, इसके बिजनेस में मैंने मेरे 50 लाख रुपए लगाए और आपने जो करोड़ों गायब कर दिए, मैं कहती हूँ इसी वक्त इसे सारा का सारा पैसा वापस कीजिए। क्या वापस कर दूं उसे? ये मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पापा, 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 बस। अगर आपने और हंगामा किया ना तो फ्रॉड के चार्ज में हम आपको अंदर करवा देंगे। मुझे चोर बोल के उस कमीनी के साथ भाग गई, वो अपने बाप को फोन ही नहीं करती। अपना बाप जिंदा है या मर गया है कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, उसका फोन बंद है, उसका सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट सब कुछ बंद है। वो लड़का आलोक राइट, रहता कहाँ हुआ? वो आर्मी कॉलोनी में उसके दादा के घर पे रहता है, लेकिन जाओगे वहां पर तो ताला मिलेगा आपको, और उसका फोन भी बंद है। उसकी कोई तस्वीर आपके पास? हाँ, आलोक। विशाल,
कौन है? सर ये आर्मी कॉलोनी का घर तो कर्नल शमशेर सिंह का है और यहाँ पे उसका कोई पता भी नहीं है। और कमाल की बात तो यह सर, ये घर सालों से बंद है तो फिर आलोक यहाँ पे रहने कैसे आ गया? अभी इतना तो तय नहीं है कि इसका नाम आलोक है या नहीं, लेकिन इतना तय है ये कोई बहुत बड़ा ठग है। नरेंद्र ने जिन दो बाप बेटों के लिए लोन पास किया था, मैं उनकी फाइल देख रहा था, उस फाइल पर दो तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरें इस सेम शख्स की, अलग अलग गेटअप में। मनीष, हमें किसी भी सूरत में इस ठग को पकड़ना और पता लगाना कि रानी के टच में कैसे आए। सर मैं और रानी उससे कैफे में मिले थे और सर वो बोलता था कि उसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। आप ऐसे काम क्यों रहे हैं? क्या ना मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। मैट्रिमोनियल साइट के कई लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद रानी उस आलोक के प्यार में हो गई और अपने पापा से रिश्ता तोड़ के उसके साथ भाग गई। सर साहब मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता साहब, क्या करते हैं कहाँ रहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बस उन्होंने उस दिन ये बोला था कि आज का लंच फ्री है, ऐसा जाके उन लड़कियों से बोल दो और मैंने बोल दिया साहब, और इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए थे साहब। सर फिलहाल उस लड़के के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है, उसके फोटोज दूसरे थानों में सर्कुलेट करवा दी। रानी के फ्रेंड ने बताया कि रानी मैट्रिमोनियल साइट पर लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, जहाँ पर उसने कई लड़कों को रिजेक्ट किया था। हो सकता है उस लड़के ने रानी को मैट्रिमोनियल साइट पर स्पॉट किया हो और उसके फादर को चीट करने के लिए उसने उसे अपना टारगेट बनाया और रानी के साथ गायब हो गया। इन मैट्रिमोनियल साइट का जितना भी पुराना नया डाटा सब स्कैन करो। ओके सर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर, इस लड़के के अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पे अलग अलग नाम से प्रोफाइल है। यही लड़का सीमी से, राहुल और प्रिया से मानव बनकर टच में है। प्रिया के बॉस ने इसका पूरा आइडेंटिफाई किया सर, उसने इसको ही 30 लाख रुपए दिए। बहुत बड़ा गेमर, रानी के फादर के 50 लाख और रानी को लेकर गायब हो गया। सीमी का मर्डर हो गया, प्रिया ने सुसाइड कर लिया और रानी, पता नहीं इसने रानी के साथ क्या किया। सर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इस लड़के के अलग अलग गेटअप के कई फोटोज डेवलप किए। ये देखिए सर, हम ये कैसे पता करेंगे कि इस वक्त ये लड़का कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस देश में है और किसको अपना टारगेट बना रहा है? काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। ट्राई अंटिल यू सक्सीड, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये अपना अगला शिकार जरूर कर रहा होगा। हाय। अरे क्या कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हुलिया बदलने का, अब तेरा हुलिया हम बदलेंगे। ऐसा कि तो खुद को आईने में नहीं पहचान पाएगा। अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया? 17 लड़कियों को फंसाया, लेकिन पता नहीं था जो 18वीं होगी वो पुलिस वाली निकलेगी। तो सिर्फ लड़कियों को फंसा कर मारता था तो नरेंद्र को क्यों मारा? जब मैं सिमी के साथ था तब उसने अपने दोस्त नरेंद्र के बारे में बताया मुझे कि फाइनेंस कंपनी में काम करता। मुझे लगा सिमी के जरिए नरेंद्र के थ्रू एक मोटा लोन निकलवा सकता हूँ। मैंने सिमी को बताया कि मेरे और मेरे पापा की कंपनी को फंड की ज़रूरत है, उसने मुझे नरेंद्र से मिलवा दिया। नरेंद्र मेरे जालसाजी को पकड़ ही नहीं पाया, उसे लगता था कि सिमी उससे प्यार करती है। सिमी ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। नरेंद्र मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। कुछ ही दिनों में लोन का पैसा मेरे खाते में आ चुका था और मैंने सिमी को मार के उसे गायब कर दिया, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मेल करके सिमी को ढूंढने लगा मुझे लगा वो मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो मैंने बिना वक्त गवाए नरेंद्र को भी वहाँ के सिमी के पास भेज दिया। हमने तकरीबन सारी लड़कियों को मैट्रिमोनियल साइट पर स्पॉट किया और फिर उन्हें अपना शिकार बनाया, लेकिन रानी
रानी को कहाँ स्पॉट किया? जब मैं सिमी के साथ था तब उसने अपनी दोस्त रानी के बारे में बताया था मुझे। रानी अपने बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने उसके बाप के 50 लाख रुपए अंदर किए। उसके बाद अगली टारगेट बनी प्रिया। मैट्रिमोनियल साइट में मानव बन के मैं उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। जब मैं प्रिया से रेगुलर मिलने लगा तो एक दिन उसने बताया कि उसके बॉस ने उसके कुछ फ़ोटोज़ निकाले जिसके ज़रिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे लगा कि प्रिया से ज़्यादा पैसा तो मैं प्रिया के बॉस से निकलवा सकता हूँ, तो मैंने उसे कन्विंस किया। तुम एक काम करो, उसे हील कमल होटल में बुलवा लो। पैसे मिलते ही मुझे प्रिया को गायब करना था और आप लोगों को उलझाने के लिए फ़ोन से मैंने एक होटल रूम बुक किया सिमी वाघमारे के नाम पे। प्रिया के बॉस से पैसा मिलने के बाद प्रिया तेरे किसी काम की नहीं थी, फिर प्रिया को जिंदा क्यों छोड़ा? मारना तो प्रिया को भी था लेकिन लगा कि कुछ दिन मजे कर लेते हैं। पिछली बार जो तूने काट कूट के फेंका था ना वैसे नहीं करना, समझ रहा है? और इस लड़की का ना प्रिया मुझसे तो भाग गई लेकिन मेरे खौफ से भाग नहीं पाए। आत्महत्या कर ली बेचारी ने। जिंदगी भर कानून का खौफ तो जैसा आएगा। हम आए दिन कई अजनबियों से मिलते हैं लेकिन किसको अपना दोस्त और किसको हमदर्द बनाया जाए इसको लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।